आपका भी मन कर रहा है ना कुछ ठंडा ठंडा खाने का? देखिए क्या बढ़िया कुल्फ़ी जमी है ना। ये कुल्फ़ी बिल्कुल होममेड कुल्फ़ी है और इसमें हमने नेचुरल चीज़ों का यूज़ किया है, कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं डाली है हमने। बादाम, दूध और शुगर, बस यही चीज़ें चाहिए हमें इस आइसक्रीम कुल्फ़ी को बनाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेज वरुण किचन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हमने थोड़ा सा पानी डाला हुआ है जिससे कि तली में दूध लगे ना, और 1 लीटर दूध लिया है। अब हम इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। जब तक ये दूध बॉईल हो रहा है तब तक हम काजू का और बादाम का पेस्ट बना लेते हैं। काजू और बादाम को मैंने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था और बादाम को हमने पील भी कर लिया है। अब हम इसको मिक्सर ग्राइंड में डाल के इसको बारीक पेस्ट बना लेंगे इसका। देखिए इसको क्योंकि इसको भिगोएंगे नहीं तो बारीक पेस्ट नहीं बनेगा, इसलिए इसको भिगोना बहुत ज़रूरी है। मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे इसको, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। देखिए हो गया ना बिल्कुल बारीक पेस्ट। बस इसी तरीके से आपको भी बनाना है इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट। देखिए जब तक हम दूध को भी चेक कर लेते हैं। देखिए दूध भी अब काफ़ी उबल चुका है और काफ़ी थिक हो चुका है। थोड़ा थोड़ा करके ही हमें बादाम का पेस्ट डालना है, एक साथ नहीं डालना सारा। हमने कई बैचेस में इस बादाम के पेस्ट को डाला है और वैसे वैसे वो थिक दूध होता जाएगा। और हम गैस की फ्लेम को शुरुआत में तो हाई पे रखेंगे और जैसे जैसे बादाम का पेस्ट डलता जाएगा वैसे ही हम गैस की फ्लेम को भी लो कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। देखिए अब ये मिक्सर ग्राइंडर में जो बचा है ना इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और हिलाएंगे और इसको भी हम डाल देंगे। इस तरीके से हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, सब कुछ डाल देना उसमें। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर का फ्लेवर कुल्फी में बहुत टेस्टी लगता है। अब हम इसमें केसर डालेंगे। केसर से कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब इसको हाई फ्लेम पे इसको ऐसे ही कुक करते रहेंगे और साइड में जो मलाई जम जाती है ना उसको हम स्क्रैप करते जाएंगे और उसको बीच में ही करते जाएंगे। देखिए अब दूध काफ़ी थिक हो चुका है। देखिए अब कुल्फी बेस भी तैयार होने लगा है और इसमें हम हाफ कप शक्कर डालेंगे। 1 लीटर दूध लिया है इसलिए हमने हाफ कप शक्कर लिया है। सही मेजरमेंट है, इसी तरीके से आपको भी लेना है। अगर आप थोड़ा और मीठा चाहते हो तो आप थोड़ी बढ़ा सकते हो। देखिए काफ़ी दूध थिक हो चुका है। अब हम इसमें थोड़े से काजू और बादाम को हमने क्रश करके रखा हुआ था वो भी हम डाल देंगे इसमें। इससे क्या होता है कुल्फी को खाते में थोड़ा क्रंच आता है ना, वो बहुत टेस्टी लगता है। और इसमें हम थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब इसमें कोकोनट पाउडर डालेंगे। इससे भी आइसक्रीम को इसमें थोड़ा दरदरा बना जाता है। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और आप डाल भी सकते हैं। और इसमें हम ऊपर से इलायची पाउडर और डाल देंगे। अब ये काफ़ी रिड्यूस हो चुका है और कुक भी हो चुका है, काफ़ी थिक हो चुका है। ठंडा होकर ये काफ़ी थिक हो जाएगा। अब हम गैस की फ्लेम को भी ऑफ कर देंगे। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। देखिए जाली लगा के हमने ठंडा करने के लिए रख दिया है। जब ये ठंडा हो गया था तब हमने इसको एक कांच के बाउल में निकाल के हमने इसको फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दिया था। देखिए उससे और भी अच्छे थिक हो चुके, बिल्कुल रबड़ी जैसा दिख रहा है ना बिल्कुल। देखिए अब कुल्फ़ी बेस बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसको मोल्ड में डाल के सेट करेंगे। ये क्या बढ़िया कुल्फ़ी लग रही है ना, बिल्कुल रबड़ी जैसा बिल्कुल बन के तैयार हुआ है। तो आप भी इस तरीके से बनाइए। देखिए हम पेपर कप्स लेंगे। हमने पेपर कप्स लिए छोटे साइज़ के और बड़े साइज़ के, दोनों ही साइज़ के मैंने पेपर कप्स लिए हैं। मोल्ड के भी हम कुल्फ़ी जमा सकते हैं। पेपर कप्स में भी कुल्फ़ी बहुत अच्छी जमती है, मोल्ड से ज़्यादा अच्छी तो पेपर कप्स में बनती है। देखिए अब हम पेपर कप्स में और इनको सभी पेपर कप्स को फिल कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना बिल्कुल। पेपर कप्स छोटे छोटे साइज़ के हैं, बड़े साइज़ के हैं। देखिए हमने अब डिस्पोजिबल ग्लासेस आते हैं ना पानी वाले जो शादियों में यूज़ होते हैं, बस उन ग्लासेस में भी मैं इनको फिल कर दूंगी। मेरा भी कुल्फ़ी बेस काफ़ी बचा है, अब मैं उसमें भी डाल दूंगी। देखिए हमने इन सब में फिल कर दिया है। अब हम इसको पैक करेंगे। सिल्वर फॉइल पेपर लेंगे और उसको हम इसको अच्छे से कवर कर देंगे, टाइटली पैक कर देंगे इसको। आप चाहो तो इसके ऊपर रबड़ लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी दबाने से भी वो अच्छे से पैक हो जाता है क्योंकि फॉइल पेपर अच्छे से टाइट हो जाता है। नीचे से एकदम प्रेस कर देंगे तो अच्छे से सेट हो जाता है। सभी के ऊपर हमें इसी तरीके से लगा देना है सिल्वर फॉइल पेपर। अब हम इसमें आइसक्रीम स्टिक्स डालेंगे। देखिए मेरे पास कितनी बढ़िया कलरफुल आइसक्रीम स्टिक्स है ना, तो बस अब हम इसके अंदर नाइफ से थोड़ा छोटा छोटा होल कर देंगे जिससे हम इसके अंदर आइसक्रीम स्टिक्स को डाल सकें।
करना है इसको हल्का हल्का सा कर, जिससे कि आइसक्रीम स्टिक इसके अंदर आ जाए। देखिए अब हम आइसक्रीम स्टिक्स को डालेंगे इसके अंदर, जिससे सेंटर में बिल्कुल खड़ी रहे वो आइसक्रीम स्टिक। सभी में हमें डाल देनी है, इससे क्या आइसक्रीम स्टिक बिल्कुल हिलेगी नहीं, हो बिल्कुल सेंटर पॉइंट में रहेगी वो। ठीक है, इस तरीके से हमने आइसक्रीम स्टिक्स भी लगा दिया। अब हम इसको डीप फ्रीज़र में सेट करने के लिए रख देंगे। 4 से 5 घंटे के लिए हम इसको डीप फ्रीज़र में रख देंगे, उससे भी ये सेट हो जाएगी। नहीं तो आप ओवरनाइट सेट करने के लिए रख दीजिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मैंने तो इसको ओवरनाइट ही रखा था, अब ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है। देखिए बिल्कुल आइस क्रिस्टल दिख रहा है ना इसके ऊपर, कुल्फी के ऊपर। देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसको ओपन करेंगे, देखिए क्या बढ़िया दिख रही है ना, बिल्कुल अच्छे से जम चुकी है। ऊपर देखो कितना बढ़िया दिख रही है आइसक्रीम, बिल्कुल अच्छे से टाइट हमारी कुल्फी सेट हुई है। देखो हल्का सा इसको हाथ में लेके गोल गोल घुमाएंगे, अगर अब भी ना निकले तो फिर इसको थोड़ा एक बाउल में पानी लेंगे और हल्का सा उसमें घुमाएंगे और फिर हम इसको निकालेंगे। देखो ईजीली निकल आती है, निकल आई ना बिल्कुल। तो बस आपको भी इसी तरीके से करना, बहुत ईजी है। आप एक बार इसको बना के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। निकालना भी कोई टफ नहीं है। देखो छोटे कप्स में तो थोड़ी देर आप बाहर निकाल के रख दो, अपने आप ही मेल्ट होने लग जाती है और ईजीली निकलने लग जाती है कप। अब इसको हम थोड़े से क्रश किए हुए बादाम, काजू और केसर डालेंगे। थोड़ा सा केसर भी डालेंगे इसके ऊपर। केसर आइस केसर कुल्फी है तो केसर तो डालना ही है ना, तो केसर भी डाल देंगे थोड़ा सा इसके ऊपर। देखिए केसर कुल्फी, बादाम कुल्फी बनके तैयार हो चुकी है। आप भी इसी तरीके से बनाइए अपने घर पे, और एक बार आप घर पे बनाओगे ना तो बार बार सबका खाने का मन करेगा। सभी को बहुत पसंद आएगी, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके बाय, थैंक यू।